प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं संजय मोर आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ बर्थडे के विषय में। अक्सर हम सभी अपने घरों में बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, और खासकर ज्यादातर बच्चों का जन्मदिन हम ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बिब्लिकली आप अपने जन्मदिन को कैसे बना सकते हैं, कैसे मना सकते हैं। हालांकि बाइबल में जन्मदिन शब्द सिर्फ 5 बार ही आया है, और जन्मदिन सेलिब्रेशन के विषय में सिर्फ 3 लोगों के बारे में बाइबल बताती है, पुष्टि करती है। परंतु फिर भी मैं आज जन्मदिन के विषय में चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग अपने जन्मदिन में अपने बनाने वाले को, अपने रचेता, अपने ईश्वर को, अपने माता पिता को शामिल नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे जन्मदिन में ईश्वर नहीं होता है, ऐसे जन्मदिन में माँ बाप नहीं होते हैं, वो हैप्पी जन्मदिन नहीं हो सकता है। बाइबल कहती है भजन संहिता 127 अध्याय की 3 आयत में लिखा है, बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से बच्चे क्या है? वरदान है, एक गिफ्ट है, एक उपहार है, या फिर ये कहिए एक इनाम बतौर परमेश्वर मनुष्य जाति को बच्चे देते हैं। तो जो बच्चे हमारे पास है, जिन बच्चों का हम जन्मदिन मनाते हैं, उनके लिए माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आपको ये संदेश पसंद आए, इंकरेज मिले, नॉलेज मिले, तो आप मुझे इंकरेज करने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे सपोर्ट के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ लूका की इंजिल 2 अध्याय उसकी 52 आयत। वहाँ लिखा है, यीशु बुद्धि डील डोल मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सैमुएल 2 अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा है, सैमुएल बालक बढ़ता गया और मनुष्य और परमेश्वर दोनों उससे प्रसन्न थे, दोनों उससे खुश थे, मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह उसके ऊपर था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप जन्मदिन मनाते हैं, अक्सर जब हम जन्मदिन मनाते हैं हमारी आयु बढ़ जाती है। हालांकि जन्मदिन के विषय में लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं और अलग अलग तरह से वो प्रचार करते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि जन्मदिन खुशी का विषय नहीं है और वो मुबारकबाद नहीं है, क्योंकि उम्र घट जाती है जब जन्मदिन आता है, उम्र बढ़ती नहीं है। बढ़ना तो खुशी की बात है, पर उम्र घटने को कौन सेलिब्रेट करता है? हालांकि ये जो संदेश है ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक नहीं है। जन्मदिन पर लोगों को खुशियां देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये कहकर डरा देते हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उम्र बढ़ती है वो बात अलग है, लेकिन इसमें पॉजिटिव बात ये है, जब मनुष्य की उम्र बढ़ती है और जब उसका जन्मदिन आता है, तब वो क्यों सेलिब्रेट करना है? इसलिए सेलिब्रेट करना है, इसलिए खुशी मनानी है, क्योंकि ईश्वर ने उसको इतने सालों में जीवित रखा, ईश्वर ने इतने सालों में उसको हर खतरे से, मुसीबत से बचाया, मृत्यु से बचाया, और इस जन्मदिन में ईश्वर ने प्रवेश करने के लिए उसकी सहायता करी। इसलिए जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। हर दिन लोग मर जाते हैं, हर दिन लोग जो है एक्सीडेंट से मर जाते हैं, लेकिन यदि आप जीवित हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, तो आप ईश्वर को धन्यवाद दें और सेलिब्रेट करें, इसको अपने परिवार के साथ खुशी मनाएं। तो जब आप जन्मदिन मनाते हैं तो आप अपने जन्मदिन को ईश्वर के साथ मनाएं, अर्थात आप ईश्वर को धन्यवाद दें अपने जन्म वाले दिन। जिस दिन आपका जन्मदिन आता है उस दिन आप ईश्वर की इबादत करें, उसका शुक्रिया अदा करें और कहें, प्रभु आपको धन्यवाद, आपने मुझे इतने सालों तक संभाला, आपने मुझे खतरे से, मुसीबत से बचाया। और अपने माता पिता को भी धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने अपने खून पसीने से आपको सींचा है, आपको बड़ा किया है, आपके पालन पोषण में उन्होंने बहुत मेहनत की है, इसलिए आप उनका भी शुक्र करें और अपने माँ बाप के साथ, ईश्वर के साथ अपने जन्मदिन को मनाएं, आपका जन्मदिन हैप्पी हो सकता है। दूसरी बात, जो मैंने आपके लिए वचन पढ़ा है लूका 2:52, वहाँ यीशु के विषय में लिखा है कि वो बुद्धि डी डोल मनुष्य परमेश्वर दोनों का अनुग्रह बढ़ते गए। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह बढ़े, उनकी बुद्धि
और ढील तोल दोनों एक साथ बढ़े, और लिखा है मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह उन्होंने प्राप्त किया। कुछ लोग मानते हैं मुझे ईश्वर से मतलब नहीं है, मैं तो नास्तिक हूँ, मेरे माँ बाप ही मेरे ईश्वर हैं, मेरे माँ बाप ही मेरे प्रभु हैं, मैं उनकी मैं तो जो है धन्यवाद दूंगा, उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले लूंगा। और कुछ लोग ये मानते हैं कि मुझे माँ बाप से, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है, मेरा तो ईश्वर ही महान है, मैं तो उसी को मानूंगा, मैं तो उसी की इबादत करूंगा। लेकिन सच्ची भक्ति, सच्ची इंसानियत ये नहीं है। सच्ची इंसानियत, सच्ची भक्ति ये है, बिब्लिकली जन्मदिन जो है वो ये है कि यीशु बुद्धि डील डोल में बढ़े और मनुष्य परमेश्वर दोनों का अनुग्रह उन्होंने प्राप्त किया। मैं और आप भी अपनी उम्र में बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने के साथ साथ इस बात का ख्याल रखें कि मेरे और आपके जीवन से ईश्वर भी खुश हो और मनुष्य जाति भी खुश हो। अब आप कहेंगे कि यीशु मसीह तो परमेश्वर थे इसलिए वो ऐसा कर पाए, तो सैमुएल 2:26 में लिखा है कि सैमुएल बालक बढ़ता गया और मनुष्य परमेश्वर दोनों से प्रसन्न थे। तो जब आप बढ़ रहे हैं अपनी उम्र में, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपना जन्मदिन पब में मना के आ जाते हैं, पब में अपने दोस्तों को पार्टी दे के आ जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं और ईश्वर को याद नहीं करते हैं, अपने माता पिता को याद नहीं करते, उनके परिश्रम को याद नहीं करते हैं, अपने माँ बाप के साथ अपने घर में जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करते हैं, और ये जन्मदिन हैप्पी नहीं हो सकता है, ब्लेसेड नहीं हो सकता है, ईश्वर इस जन्मदिन से खुश नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ना तो मनुष्य का आदर प्राप्त किया, ना तो मनुष्य का अनुग्रह प्राप्त किया, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, और ना ही ईश्वर का अनुग्रह इन्होंने प्राप्त किया है। हालांकि कितने ही ऐसे माँ बाप हैं जो ये तर्क देते हैं, जिनकी जिनकी ये विचार और सोच होती है कि उनकी उम्र बहुत बड़ी है, वे बड़े होकर के ईश्वर को तो जान लेंगे, इस समय उन्हें संसार के विषय में जानना जरूरी है, एजुकेशन प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यूहन्ना 15:5 में यीशु कहते हैं कि तुम मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते, और यीशु मसीह कहते हैं यदि तू सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उससे क्या फायदा। आप अपने बच्चों को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया देख लूं, मैं पूरी दुनिया को जीत लूं, मैं पूरी दुनिया को प्राप्त कर लूं, मैं पूरी दुनिया की सारी नॉलेज प्राप्त कर लूं, मैं पूरी दुनिया को भ्रमण करके आ जाऊं, लेकिन आप उस खुदा के विषय में जानना नहीं चाहते हैं जिसने इस दुनिया को बनाया है, आप उस ईश्वर के विषय में जानना नहीं चाहते हैं जिसने आपको बनाया है, आपको जीवित रखा है, आपको इस लायक बनाया है। तो मुझे बताइए आपका जन्मदिन, आपका जीवन कैसे आशीषित हो सकता है जब आप उसके विषय में जानना नहीं चाहते, जबकि बाइबल कहती है, प्रभु चाहते हैं कि हम इंसान अपने बच्चों को बचपन से ही ईश्वर के विषय में बताना शुरू करें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो जाए, उनका जीवन आशीषित हो जाए। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ नीति वचन 9:10-11 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। हम कई माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बचपन में परमेश्वर के विषय में इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि बचपन में उन्हें पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना जरूरी है, ईश्वर को जानने के लिए उनके पास बहुत समय है, पहले वो ज्ञान जुटा लें। लेकिन बाइबल कहती है ज्ञान और सच्चा ज्ञान तो ईश्वर को जानने के बाद ही मिलता है। लिखा है ईश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है और परम प्रधान परमेश्वर को जानना ही समझ है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो आप अपने बच्चों को बचपन से ही ईश्वर को जानने के लिए प्रेरित करें और उन्हें ईश्वर के विषय में शिक्षा दें, उसके आचार कर्मों के विषय में अपने बच्चों के साथ चर्चा करें ताकि वे बुद्धिमान हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे लंबी उम्र को प्राप्त करें, आपके बच्चे लॉन्ग लाइफ प्राप्त करें, अपने बुढ़ापे तक जीवित रहें, तो उनके लिए 11 में लिखा है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर वचन कहता है कि मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप अगला जन्मदिन मना पाएं, यदि आप चाहते हैं अगली साल भी आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करें, तो ईश्वर पर ईमान लाएं, ईश्वर की इबादत करें और अपने बीते दिनों के लिए, बीते सालों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, तभी आपका जन्मदिन और आपका लाइफ, अपना आपका आने वाला जीवन हैप्पी हो सकता है, ब्लेसेड हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक लास्ट आयत पढ़ करके मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। लूका 18:16 में यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसा ही का है। अर्थात परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी है, उनकी इच्छा है कि बच्चों को आप परमेश्वर के पास आने दें।
मेरे प्रियो अपने बच्चों को इनकरेज करें, उनके लिए दुआ करें, परमेश्वर के विषय में उन्हें बताएं। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। यदि अच्छा लगा हो संदेश तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू।